इस बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के जीवेश कुमार जी, पूर्व मंत्री, पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल मेहता जी, यहाँ पर पार्टी के विधान परिषद सदस्य आदरणीय अनिल कुमार शर्मा जी, आदरणीय माननीय विधायक अरुणा देवी जी, पार्टी की महामंत्री पूनम शर्मा जी, विजय जी पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजय मुन्ना जी, कन्हैया रजवार जी और पूरे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी समाचार साथी, 2 अप्रैल को आदरणीय अमित शाह जी नवादा जिले के हिसुआ के इंटर कॉलेज में इंटर कॉलेज के मैदान में उनका सभा होने वाला है और पूरे नवादा जिले से, नवादा और शेखपुरा जिले से जो बरबीघा विधानसभा है वहाँ से तमाम लोग इस पूरे लोकसभा प्रवास के माध्यम से उस कार्यक्रम में जुटने का काम करेंगे। और आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं, पूरे देश में प्रवास करके ये पैरामीटर हम लोग सेट कर रहे हैं और नवादा की पावन धरती से हम आग्रह भी करने आए हैं कि 2024 के चुनाव में नवादा के लोग नींव रखें कि महागठबंधन की सफाई का नींव नवादा जिले से, नवादा पार्लियामेंट्री सीट से शुरुआत हो। और आदरणीय अमित शाह जी जब उस कार्यक्रम में आएंगे उससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा आपको कि अब कोई महागठबंधन की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं रह गई। महागठबंधन में जो 2 पार्टी है, वैसे तो 7 पार्टी है लेकिन 2 प्रमुख पार्टी है, एक के पास कुछ वोट रह गए हैं, दूसरे के पास कोई वोट बचने वाला नहीं है, जो जनता दल यूनाइटेड है वो 0 पर आउट होने वाला है। इसलिए हम नवादा में आग्रह करने आए हैं तमाम लोगों से कि आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम में आप तमाम लोग सम्मिलित होइए और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए जिससे कि इस देश को और श्रेष्ठ बनाया जा सके। 2014 से नवादा की महान जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी या NDA को समर्थन दे रही है, इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और आगे भी अपेक्षा करता हूं कि मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व और देश और दुनिया में जानने वाला नेतृत्व बना रहे, इसके लिए सहयोग मांगने आया हूं। आप लोगों को भी कुछ पूछना है उसमें अमित शाह जी आएंगे, आदरणीय अमित शाह जी और बिहार प्रदेश के जितने हमारे बड़े नेता हैं वो सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। सवाल है सर, जो मैदान आपने लिए है, क्या वो मैदान में कितने लोगों का भीड़ रहेगा, कितने लोगों को बुलाने का आप लोग लिए हैं? देखिए, भीड़ तो मैदान कितना भी बड़ा हो लेकिन लाखों की संख्या में आपको वहाँ आदमी दिखेंगे, इतना स्पष्ट। मैदान को छोटा तो आप लोग बड़ा बता रहे हैं। हमने कहा कि लाखों की संख्या में वहाँ लोग जुटेंगे, मैदान के अंदर बाहर उत्तर पूर्व पश्चिम आदमी ही आदमी दिखाई देगा। मैदान में लाख लोगों के, मैंने कहा कि मैदान के अंदर बाहर एकदम सारे जगह पर आदमी ही आदमी दिखेंगे। और बिहार में जो सरकार चल रहा है महागठबंधन की, उसको आप देख रहे हैं, अब उसका कोई नीति सिद्धांत नहीं रह गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब किसी को भरोसा नहीं है, कोई भी उनके पार्टी के लोग भी अब उन पर भरोसा नहीं कर रहे और उनके पास अब जनमत भी नहीं है, जनमत भी उनकी समाप्त हो गई। इस बार जो उन्होंने धोखा दिया भाजपा के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को, इसके अब जनता भी समझ गई कि ये व्यक्ति अब किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने लिए जीते, किसी दूसरे के लिए। नीतीश कुमार की तो आपके बारे में बता दें कि मैंने उनको सब कुछ बनाया। नीतीश कुमार मैं तो वही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब मैं बिहार का मंत्री था, नीतीश कुमार कैसे बना सकते हैं मेरे को? नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उसके पहले मैं मंत्री हो गया हूँ, वो तो 2000 में मुख्यमंत्री बने हैं, उसके पहले मैं मंत्री था। और नीतीश कुमार जी
77 में जनता पार्टी के टिकट पर लड़े, आंधी थी, चुनाव हार गए। 80 में हार गए, लोक दल से चुनाव जीते पहली बार। 89 में जनता दल, 91 में जनता दल, 94 में समता पार्टी, 99 में जनता दल यूनाइटेड। तो नीतीश कुमार जी ने मात्र 7 पार्टी बदली हो, वो आदमी दूसरे का पॉलिटिकल डीएनए तय कर रहा हो। जिस आदमी का अपना पॉलिटिकल डीएनए खराब होता है वो इसी तरह की बात है। वो धार्मिक कार्य में थे, हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के साथ हम लोग थे, वहां मुख्यमंत्री भी आए, उसमें क्या दिक्कत है? व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। फिर मैं बोल देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं, सैद्धांतिक झगड़ा है। 5 बार नहीं, नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अब समझौता और संभव नहीं। क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लवकुश का जो उनका समीकरण है कुछ अलग हो जाएगा? लव से पुरा जाएगा? नहीं, लवकुश कैसे अलग हो जाएगा? लवकुश एक ही साथ रहेगा, जो भगवान राम की पूजा करेगा उसी के साथ लवकुश जाएगा। सवाल, आप खन्ना पहुंचेंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के ननिहाल, वहां आप क्यों जा रहे, मतलब क्या उद्देश्य है? नहीं, सभी जगह महापुरुषों का तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए किसी को भी, और स्वाभाविक है जो प्रथम नायक थे इस प्रदेश के, जिन्होंने संरचना किया पूरे बिहार में, उनका आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या ओपिनियन? बड़े भाई हैं, पार्टी में आना चाहते हैं, गठबंधन में आना चाहते हैं, ये तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन बड़े भाई हैं, राजनीतिक तौर पर सब दिन साथ रहे हैं, हम लोग साथ ही रहेंगे। यहाँ पे लोग चुनाव तो लड़ते हैं, बड़ा काम यहाँ से लोग लोकल बहुत लोग तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में टिकट बाहरी लोगों को मिल जाते हैं, बड़ा सवाल रहता है लोगों का, इस पे कुछ कहना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें समय पर तय होती है और समय के हिसाब से राजनीति होती है। उस समय का क्या परिस्थिति बनेगा वो उस समय तय होगा, लेकिन जरूर ये आप जो बात उठा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ताओं की सम्मान की बात है, इस पर जरूर पार्टी विचार करेगी। इस बार क्या भाजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी तक तो लोजपा की सिटिंग सीट है, लेकिन भारतीय हमने क्या अभी बात तो सुनी कि भाजपा की लोजपा की सिटिंग सीट है और भाजपा यहाँ तैयारी कर रही है। हम लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे, नहीं तो एनडीए का उम्मीदवार तो लड़ता ही है, लेकिन हम भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिले इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैडम के बगल में आपका आवास हुआ करता था उस जमाने में रहते थे, ठंडा के समय में आग तापते रहते थे वो। अगल बगल मिलन के बगल में दोनों थे, हम भी वहाँ पर आते जाते रहते थे, उसमें नौजवान थे, है जवान है, नौजवान नहीं है।